समूचे मध्य प्रदेश के साथ ही होशंगाबाद जिले के सिवनी मालवा में भी 21 जून से महाटीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। इसमें बिना किसी पूर्व रजिस्ट्रेशन के भी स्पॉट रजिस्ट्रेशन कर लोगों को टीका लगाया जा रहा है। इस दौरान गांव-गांव, शहर-शहर टीकाकरण केंद्र बनाकर लोगों को टीके लगाए जा रहे हैं। इसके लिए बड़े स्तर पर जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। दरअसल कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर लोगों के बीच कई अफवाहें फैल रही थी, जिसके चलते ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में इसको लेकर लोगों में डर का माहौल है और लोग वैक्सीनेशन करवाने के लिए घरों से नहीं निकल रहे हैं। जबकि शासन प्रशासन जल्द जल्द सभी को वैक्सीन लगवाना चाहता है, ताकि कोरोना की संभावित तीसरी लहर से लोगों को बचाया जा सके। इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बड़े स्तर पर 21 जून से महाटीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। इसकी सफलता के लिए बड़े स्तर पर प्रचार प्रसार के लिए ऐसे लोगों को आगे लाया जा रहा है जिनका समाज में प्रभाव हो, जिसमें विभिन्न पार्टियों के नेता, जनप्रतिनिधि, समाज सेवी आदि लोग शामिल हैं। टीकाकरण महाअभियान से पहले तहसील स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट मीटिंग का आयोजन भी किया गया, जिसमें कई नेता, समाज सेवी और अन्य लोग शामिल थे जिनकी समाज में अलग पहचान है। सुबह 10 बजे से शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय सिवनी मालवा में कई जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में भाजपा विधायक प्रेम शंकर वर्मा के द्वारा सरस्वती जी की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर वैक्सीनेशन का महाअभियान कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। शुभारंभ के पश्चात विधायक के द्वारा वैक्सीन लगवाने वाले युवाओं सहित बुजुर्गों से चर्चा की गई एवं उन्हें समझाया कि वे लोग अपने आसपास के लोगों को भी वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करें, जिससे कि अधिक से अधिक वैक्सीनेशन किया जा सके। शुभ नाम है आपका माता जी? इंदु रघुवंश। इधर से दवाई, यहाँ दवाई। कितने दिन बाद दूसरा डोज, कितने दिन बाद लग रहा है? 84 डेज बाद। अरे वाह, मतलब बहुत पहले लगवा लिया। देखो मार्च को लगा। हाँ बहुत अच्छा। हाँ आप क्यों बहन जी, आपको जब पहला ये कोरोना का ये टीका लगा था, वैक्सीन लगी थी, तब कोई बुखार उखार या कुछ हुआ था क्या? नहीं, बुखार नहीं हुआ, हाथ पे थोड़ा थोड़ा दर्द हुए, हाथ दर्द करा था। है ना, इसके बाद तो कुछ नहीं हुआ ना? नहीं हुआ। टीकाकरण से कोई नुकसान तो नहीं है ना? कोई नुकसान नहीं भैया, मेरे को तो कोई भी नुकसान, कोई नुकसान नहीं है ना, फायदा ही है। और जो दूसरा भी आपको लग गया? सबको बुखार आया, मेरे घर में सबको आया, पर मेरे को नहीं आया, जो जो चल रहा है बुखार। हाँ बधाई बधाई। मेरे को बहुत बीमार है, गैस है, खा रहे सब है, इतनी दवाई खा रही। इसके बाद भी देखो लोगों में कितनी गलतफहमी है। आप जरा बहन जी सब लोगों को समझाना। मैं तो सब समझाऊं कि टीका में कोई तकलीफ, कोई तकलीफ नहीं, बल्कि फायदा ही है ना। कोरोना से हम मुक्त हो जाएंगे, हमारा प्रदेश मुक्त हो जाएगा, हमारा सिवनी मालवा नगर मुक्त हो जाएगा कोरोना से, है ना। सब लोगों को समझाना, आपसे यही निवेदन। ठीक ठीक ठीक। अनिल भैया को और लगवा दें। कॉलेज में पढ़ती है? अरे वाह, गर्ल्स कॉलेज में कि इसमें? कुसुम में। चलो बढ़िया, हमारे गर्ल्स कॉलेज का भी भवन स्वीकृत हो गया है, जल्दी बनने वाला है, पहले ही लग रहा है ये। क्या नाम है तुम्हारा? रश्मि राजपूत। रश्मि राजपूत, आप दवा लो ना। सभी तुम्हारी सहेलियों को, कॉलेज में पढ़ने वाली सभी बहनों को, भाइयों को समझा देना कि सबको टीकाकरण जरूरी है ना। कोरोना से यदि हमको मुक्त होना है तो टीका लगाना बहुत जरूरी है। क्यों, मेरे को लग चुका है, आप सब लोग भी लगवाइए, जो लोग रह गए उनको जरा समझाइश देना आप, है ना, बहुत जरूरी है। ठीक, थोड़ी देर हाँ लग गया, बच्चा हमारा सीआरपी इतना है। अच्छा अच्छा, उनको लग चुका है? जम्मू कश्मीर में है। अरे बहुत, घर में सब लोगों को लग गया? बहू है, उनको लगा कि नहीं लगा? लगवाइए उनको भी, बहुत जरूरी है ना। कोई तकलीफ हुई क्या आपको? नहीं, है ना, और अभी भी नहीं होने वाली है, थोड़ा आराम करें, इसके बाद फिर निकल जाना। और सब लोगों को समझाइश दें कि टीकाकरण बहुत जरूरी है, कोरोना को हमको समाप्त करना है तो सभी लोगों को टीका लगवाना बहुत जरूरी है। ये सब लोगों को आप जरा समझाइश दें ताकि एक वातावरण बने, और जैसा हमारा मुख्यमंत्री जी का लक्ष्य है कि पूरे मध्य प्रदेश को हमको जल्दी से जल्दी कोरोना मुक्त करना है और तीसरी लहर को आने नहीं देना मध्य प्रदेश में,
हाँ, इसलिए हमको सबको टीकाकरण जरूरी है। आप जिस प्रकार की समझाए दें सभी लोगों को, ऐसा हमारा आपसे निवेदन है। कब लगेगा? जो 84 दिन के बाद। नहीं, ये कोवैक्सीन लग रही है यार, कोविशील्ड लग रही है। 84 दिन बाद लग रही है। हाँ, 84 दिन। वो तो आपके इसमें SMS आ जाएगा ना, इनके मैसेज आ जाएगा। हाँ, मैसेज आ जाएगा आपके, उसमें ध्यान रखना। आप भी 84 दिन के बाद लगेगा। लग गया। इधर देखो बाबू जी, यार देख कर। हाँ हाँ, दादा जी, आपको पहला वैक्सीन का टीका लगा था तो कोई तकलीफ तो नहीं हुई? कोई तकलीफ नहीं हुई है ना? तो यार वो बाइक वाइट नहीं ले रहे है ना? हाँ हाँ, देखो क्या इनको इनको पहला डोज में भी कहीं कोई तकलीफ नहीं हुई है ना? बुखार उखार भी नहीं आया? अरे हाथ दर्द किया, थोड़ा सा हाथ दर्द किया है ना इंजेक्शन से, बाकी कोई समस्या नहीं हुई? कितनी उम्र है आपकी? 63। अरे वाह, देखो दूसरा डोज लग चुका है, मतलब बढ़िया, अब आप सुरक्षित हो गए। और सभी भाई बहनों को, सभी अपने वृद्धजनों को, माता बहनों को आप ये समझाइश दें कि टीका लगाने से कोई नुकसान नहीं होता है। देखो मैं दो टीका लगवा चुका हूँ और मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, और अपने को नगर को कोरोना से मुक्त करना है, इसलिए सभी लोगों को टीकाकरण सभी का होना जरूरी है। सब लोगों को आप समझाइश देना है ना, आपके मोहल्ले में आसपास सभी लोगों को, ताकि लोगों को गलतफहमी दूर हो। कुछ लोग सबको लग गया। अरे वाह, एक एक लग गया। ठीक, आपका तो दो रोज हो गया, पूरा हो गया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बढ़िया। थोड़ी देर आराम कर लीजिए, इसके बाद फिर जाना है ना अनिल जी। भैया हो गए, सब लोगों को बताना है टीकाकरण के लिए, सब लोगों को बोलना आप। चले, आज किस तरीके से अभियान शुरू किया गया है और लोगों को किस तरीके का निवेदन किया जा रहा है जागरूकता के लिए? जैसा कि हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का ये लक्ष्य है, पूरे मध्य प्रदेश को कोरोना मुक्त करना है जल्दी से जल्दी। कोरोना की तीसरी लहर आए इसके पहले हम टीकाकरण का ये अभियान छेड़कर एक एक नगर में, एक एक गांव में, एक एक व्यक्ति को, बहनों को, 18+ वालों को, 60+ वालों को, सभी लोगों का टीकाकरण हो जाए, ताकि कोरोना से मुक्त हो सके। मध्य प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर आ ही नहीं पाए, इसलिए इस अभियान में सभी लोग लगे हैं। पूरे मध्य प्रदेश में एक साथ ये 7 दिन का महाअभियान प्रारंभ किया गया है, 21 तारीख से लगाकर 30 जून तक। इन 7 दिनों में अलग अलग ग्रामों में, नगरों में टीकाकरण का व्यापक काम किया जा रहा है, और इसमें हमारी पार्टी के सभी लोग, हमारे पार्टी के सभी विधायक, मंत्री, सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में तेजी से लगे हुए हैं। सबको समझाइश दी जा रही है, सबको टीकाकरण कराया जा रहा है, ताकि हम कोरोना से मुक्त हो सके। मध्य प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर आने ही न पाए। जो लोग वैक्सीन लगवाने आए थे उन लोगों से भी आपने चर्चा की है, तो किस तरीके की चर्चा? हाँ, मैंने पूछा उनसे, कोई दूसरा डोज लगवाने आए हैं, कोई पहला लगवाने आए हैं। जो दूसरा लगवाने आए हैं, मैंने उनसे पूछा बराबर कि आपको कहीं कोई तकलीफ हुई? उन्होंने बताया कोई तकलीफ नहीं हुई, कोई बुखार नहीं आया। उनका ठीक है, आप सब लोगों को समझाइश दें। लोगों में कुछ लोगों के द्वारा गलतफहमी फैलाई जा रही है, लेकिन ये सरासर गलत है, झूठ है। कोरोना से फायदा है, नुकसान की कोई बात ही नहीं है, और सभी को लगाना है कोरोना का टीका, ताकि हम कोरोना से मुक्त हो सके, ये जरूरी है। और जिन जिन से पूछा, सभी लोगों से पूछा मैंने, उन्होंने सभी ने कहा कि ये सब फायदे की बात है। हमारे आसपास के, घर के आसपास के लोगों को, नगर के लोगों को, सभी लोगों को समझाइश देंगे कि कोरोना सभी को लगवाना चाहिए, कोरोना का टीका, तभी हम कोरोना से मुक्त हो सकते हैं।